नौ सितंबर 2011 दोपहर के एक बजे और स्थान दंतेवाड़ा ज़िले का पालनार का बाज़ार ये समय एक महिला के लिए हमेशा के लिए काला दिन बन गया महिला कौन थी महिला का नाम जिसे किसी समय कोई नहीं जानता था दंतेवाड़ा जिले के एक बहुत छोटे से आश्रम की अधीक्षिका हुआ करती थी और आज पूरे देश में उसे एक आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जाना जाने लगा है महिला का नाम है सोनी सोरी घटना क्या हुई और अब कहां से कहां पहुंच गई सोनीसोरी पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे नमस्कार मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं दरअसल बस्तर टॉकीज़ में हम हमेशा बस्तर के आदिवासियों की बात करते हैं तो बस्तर के आदिवासियों की हर समस्या और हर चुनौतियों पर बात करते हैं तो मुझे लगा कि आज की इस कहानी को तो आपको जरूर सुनना ही चाहिए वजह यह है कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों की स्थिति को आप इससे काफ़ी हद तक समझने की कोशिश करेंगे ये जो कहानी है बस्तर की एक ऐसी महिला जो किसी समय दंतेवाड़ा जिले के समेली के एक शासकीय आश्रम की अधीक्षिका हुआ करती थी और 9 सितंबर 2011 को उसके जीवन का पल एकदम से ही बदल गया हुआ क्या हुआ ये कि दोपहर के लगभग एक बजे रहे होंगे और पालनार का बाज़ार था जहाँ से पुलिस ने चार लोगों की गिरफ्तारी दिखाई पुलिस ने इस पर जो एफ दर्ज की और पुलिस ने जो सिलसिलेवार जानकारियाँ प्रस्तुत की उसके आधार पर उन्होंने बताया कि एस कंपनी के एक जीएम के द्वारा नक्सलियों को पैसा भेजवाने की व्यवस्था की गई पैसा क्यों भेजवाया जा रहा था पैसा इसलिए भिजवाया जा रहा था कि नक्सली जो है सार की पाइपलाइन को डिस्टर्ब ना करें इस एवज में उन्हें मंथली कुछ पैसे दिए जाते थे जिसकी डील नक्सलियों के बीच एस से हुई और इस पैसे के लेन देन के लिए नक्सलियों तक पैसा कैसे पहुंचाया जाएगा तो इसके लिए वहाँ के एक स्थानीय ठेकेदार जिसका नाम बी के लाला बताया जाता है उनके हाथ से पंद्रह लाख रुपए भेजे गए और ये पैसे नक्सलियों तक कैसे पहुंचेंगे उसके लिए माध्यम बनाया गया लिंगाराम कोड़ोपी को और आश्रम की अधीक्षिका सोनी सोरी को तो ये पूरी कहानी बताते हुए बस्तर पुलिस ने ये बताया कि 9 सितंबर 2011 हज़ार एक बजे पिकअप में जब बीके लाला पंद्रह लाख रुपए लेकर पालनार के बाज़ार पहुंचे तो पुलिस के पास इसकी जानकारी मुखबिरों से पहले पहुंच गई थी अब पुलिस ने सिविल ड्रेस में उन्हें घेराबंदी करके गिरफ्तार किया और मौके से सोनी सोरी फरार हो गई लेकिन लिंगाराम कोड़ोपी और बी लाला को गिरफ्तार कर लिया गया पूछताछ में जो एस के जी हैं डी वर्मा उनकी गिरफ्तारी हुई और सोनी सोरी की भी गिरफ्तारी हुई और इनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए और जिसमें धारा लगाई गई 120 बी 121, 124 का और छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम जो कि देशद्रोह के समान है। इस मामले को आज लगभग 11 वर्ष बीत गए हैं इस दौरान सोनी सोरी को तमाम प्रताड़ना झेलनी पड़ी और आज जब न्यायालय का फैसला आया है तो इस न्यायालय के फैसले ने सोनी सोरी को इस पूरे मामले से बाइज बरी कर दिया गया है सोनी सोरी के लिए वो दिन भी बहुत बड़ा था जब उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और सोनी सोरी के लिए आज भी एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि उनके चेहरे से ये जो कालिक है अब पूरी तरह से साफ हो गई है लेकिन इस ग्यारह साल के इस लंबे अंतराल में एक महिला का जीवन पूरी तरह से बदल गया वो महिला जो कभी बच्चों को पढ़ाया करती थी शिक्षित किया करती थी वो महिला आज बस्तर के तमाम आदिवासियों की लड़ाई लड़ रही है और केवल बस्तर ही नहीं केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में सोनी सोरी का नाम है आज भी जब कभी आदिवासियों पे आदिवासी महिलाओं पे प्रताड़ना की बात होती है या जिक्र होता है तो सोनी सोरी के चेहरे को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि यही वो महिला है और इसी तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है सोनी सोरी से आज ग्यारह साल के बाद जब न्यायालय ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है बाइजत बरी कर दिया है इस इतने बड़े मामले से तो हमारे जो दंतेवाड़ा के स्थानीय हमारे सहयोगी हैं पंकज भदौरिया ने पंकज भदौरिया ने उनसे बातचीत की कि आखिर उनका जीवन कितना बदल गया है दंतेवाड़ा जिले से आज एक अहम खबर निकल कर आ रही है दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोड़ी जिनका नाम आप सभी जानते होंगे उन पर कई नक्सलियों के मामले भी पुलिस लगाई थी उसमें से एक बेहद ही पुराना और एक बहुत बड़ा मामला था जिसने सोनी सोड़ी जैसी शिक्षिका की पूरे जीवन को उसने टर्न कर दिया था मतलब उसे ऐसा नोट का कहा जाता था उस पर नक्सलियों को लेवी देने की बात निकल के आई थी जिसमें चार लोगों को पुलिस ने 2011 में पकड़ा था जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता जो आज सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कल शिक्षक थी उस समय सोनी सोड़ी लिंगा और उसमें किरंदुल से वीके नाला और एन के किसी जी का नाम था चार लोगों का नाम था पुलिस ने पूरा एक बड़ा प्रकरण बनाया था और इसे एक नेशलाइज उन्होंने मुद्दा बनाया था जिसमें सोनी सोड़ी को जेल भी हो गई थी आज 11 साल के बाद उस मामले में एक फैसला आया जिसमें न्यायालय ने सभी को दोष मुक्त कर दिया है सभी बरी हो गए हैं मतलब सोचिए है कि 11 साल के संघर्ष के बाद जो उस समय उन्होंने संघर्ष किया था उसका आज फल मिला है कि वो सारे मामले झूठे थे और उसमें वो बाईजत बड़ी हो गए अभी हम उन्हीं के साथ खड़े हैं उन्हीं से हम जानते हैं क्या था वो मामला कितना था उनका संघर्ष सोनी जी बहुत पर, पर, पहले तो आपको बधाई हो कि ये आप दो मुक्त हुई हैं और ये बताइए कि जो ये ऐसा नोट कांड था क्या था और उसमें कितने लोग थे कितनी पताड़ना आपने झेला थोड़ा सा विस्तार से हमारे इस बताइए इस केस में तो मैं इतने सारे जो चीज़ें मैंने प्रताड़ना को जेला है क्योंकि मैं टीचर में रह के और उसके बाद सार नोट कांड के नाम से या नक्सलवाद का समर्थक होना कई तरफ का मुझ पर आरोप लगाया गया है उसके आरोप के साथ साथ मेरे साथ जो करंट शॉट दिया गया और गुप्तों में पत्रे डाला गया थानों में मेरे को इतनी क्रूरता से मेरे साथ शर्म सर आ करके मुझे प्रताड़ित किया गया ये सार इसी केस में इतना कुछ हुआ लेकिन आज ये बातों को जब मेरे को न्याय मिला इंसाफ़ मिला तो मुझे ये लगता है कि मेरे को कितने लंबा संघर्ष करना मैंने सब कुछ खोया इस केस के चलते अपने शर्म को खोया अपने मान सम्मान को खोया सब कुछ मतलब मेरी एक पल की जिंदगी पूरी एक नदी की तरह एकदम भाग गया लेकिन आज इतने साल बाद आज कोर्ट ने मुझे एक इंसाफ दे के ये बताया कि तुमको ये आपकी इस पूरी सारे केसों में दोष मुक्त हुई उसमें एसआर आर नोटकांड से भी केस में दोष क्त हुई भाईजत आपको रिहा किया जाता है अगर ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट मुझे जमानत ना दी होती हो सकता है मैं ग्यारह साल बाद आज मैं जेल से रिहा होती लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बहुत बहुत मतलब शुक्रगुजार उन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मुझे मतलब जमानत दिया उस बस्तर की उस आवाज़ को कि जहाँ तक यहाँ रह के मैं संघर्ष करती रही और आज मेरे दंतेवाड़ा जिला न्यायालय इस कोर्ट से मुझे आज भाई जत रिहा किया गया लेकिन इस केस के चलते मैंने सब कुछ खो के भी आज मैं पा गई हूँ ये भी नहीं नहीं कह सकती पर बस्तर के एक आवाज़ बन के उभर के मैं आज खड़ी हो गई हूँ क्या लगता है 2011 में जब आपके ऊपर आरोप लगा उस समय आप फिचिका थी आज 2022 है कल की सोनी सोड़ी और आज की सोनी सोड़ी में बहुत फर्क है क्या लगता है कि इस जो ये जो मामला है सार नोट कांड का आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाया क्या देखिए इस इस जयसआर के नोट कांड से बहुत कुछ बदला हुआ मेरा जीवन जो था दो हज़ार से पहले और वो जीवन और 2000 के बाद से बदलाव तो इतना हो गया है कि आज मैं सामाजिक वर्ग के रूप में और इतने सारे संघर्ष करते हुए मैं बस्तर में इस तरह से जूझ रहे हैं और वो जीवन अरे जीवन, जीवन जीना का तरीका भी बदल गया कल तक एक मेरी कोई और सपना थी आज कुछ और सपना ऐसे करके मतलब बहुत कुछ चीज़ें इसमें मैंने संघर्ष करते अब यहाँ खड़ी हूँ उस समय आप शिक्षिका थी और उसमें आरोप लगने के बाद आपको मतलब नौकरी से भी हटा दिया गया निलंबित कर दिया गया क्या अब आप फिर से वापस पढ़ाने का काम करेंगे कि ऐसे ही समाज सेवा का काम करती रहेंगे ये जजमेंट जब मुझे आप में मिल जाएगी उसके बाद दो दिन के बाद मैं चर, बहुत सोचूंगी उसके बाद आप लोग के सामने मीडिया के ज़रिए से पूरी बताऊँगी कि मुझे वापस मतलब टीचर हम ज्वाइनिंग करूँगी या नहीं करूँगी ये बातें दो दिन बाद में बता सकती हूँ इसलिए क्योंकि मैं टीचर थी वापस मेरी टीचर ही मुझे आज के डेट में वापस वो लूँ या नहीं लूँ ये तो दो दिन बाद बता सकते हैं बिल्कुल ये सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सूरी थी और बेहद ही खुशी का पल है उनके लिए क्योंकि जि जितने भी पुलिस ने उन पर आरोप लगाए थे 11 साल लड़ने के बाद आज उन्हें न्याय मिला और वो बाइज्जत इस मामले से बरी हो गई तो देखा आपने सोनी सोरी ने किस तरह से अपनी बातचीत रखी है हालांकि बातचीत में अभी भी बहुत सारे अंश बचे हैं बहुत सारे मुद्दे बचे हैं बातचीत को लेकिन मुझे लगा कि आज जब सोनी सोरी को पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई है और पूरी तरह से अब वो निर्दोष साबित हो गई हैं तो ऐसे में अब उनसे दो पल बातचीत तो होनी चाहिए तो बस्तर टॉकीज़ के दर्शकों के लिए मैंने हमारे सहयोगी पंकज भदौरिया से निवेदन किया और उन्होंने सोनी सोरी से बातचीत की बातचीत के कुछ अंश हैं आगे चल के आपके कुछ और सवाल होंगे उस पर भी हम सोनी सोरी से बातचीत करेंगे लेकिन एक सवाल ये भी बस्तर में आए दिन मुठभेड़ हो रही है बस्तर में आए दिन गिरफ्तारियाँ हो रही हैं बस्तर में आए दिन सरेंडर करवाए जा रहे हैं हर एक आदिवासी जो बस्तर के जंगलों में घूमता पाया जाता है उसे पुलिस के द्वारा संदेह के नज़रों से देखा जाता है अब सवाल ये उठता है कि बस्तर के आदिवासी यदि जंगल में नहीं रहेंगे तो कहाँ चले जाएँ क्योंकि जंगल से ही उनका जीवन यापन होता है और ऐसे में यदि शक के आधार पर या इतने बड़े केस पुलिस लगाती है तो साबित क्यों नहीं कर पाती और जब साबित नहीं कर पाती तो उन्हें ये अधिकार कौन देता है कि वो किसी की जिंदगी इस तरह से बर्बाद कर दें बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जंगलों में इस तरह की तमाम समस्याएं हैं मैंने इसके पहले भी कहा था कि बस्तर के जंगलों में घूमने वाला हर आदिवासी नक्सली नहीं होता अगर आप लोकतंत्र को मानते हैं तो न्यायालय पद्धति को भी मानेंगे और न्याय पद्धति को मानते हैं तो न्यायालय के इस फैसले को भी मानेंगे और इस फैसले को अगर आप मानते हैं तो इसे आपको स्वीकार करना होगा कि सोनी सोरी पर जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए गए थे कि वह नक्सलियों तक पैसे पहुंचाती है पैसे की फंडिंग करती है और इसमें उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है तो ये सरासर झूठ है जिसे कि न्यायालय ने साबित किया है अगर आपको लगे कि बस्तर की छोटी छोटी समस्याओं चुनौतियों पर बातचीत होनी चाहिए और लगता है कि ऐसी तमाम समस्याओं पर से रहस्य उजागर होने चाहिए पर्दे हटने चाहिए लोगों को समझ में आना चाहिए कि भाई जंगल में हो क्या रहा है तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे बस्तर टॉकीज़ के फेसबुक पर भी आप जा सकते हैं वहाँ पर हम छोटी छोटी जानकारियाँ तत्काल अपडेट करते हैं धन्यवाद